आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मीट एंड आई को, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MI के मीट एंड आई 5G फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास में मीट एंड आई है। इसमें तीन कलर आते हैं, पैसिफिक सनराइज, एटलांटिक ब्लू और एक आता है मिडनाइट ब्लैक। अपने पास में है पैसिफिक सनराइज और एटलांटिक ब्लू। अगर वेट की बात करें तो इनका वेट है 214 ग्राम के लगभग। और गोरिल्ला ग्लास 5th जनरेशन फ्रंट एंड बैक में है। उसके बाद में अगर दोस्तों बात की जाए रैम रोम की, तो 664 का आता है, 6128 का आता है, 8128 का आता है। रैम है जो सपोर्ट करती है LPDDR4 की, और स्टोरेज है जो अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.2 का है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम कैमरे की, तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसमें सैमसंग HM2 का सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और उसके बाद में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। उसके बाद में बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट और बैक दोनों में से आप ड्यूल वीडियो बना सकते हैं फ्रंट और बैक से। उसके बाद में बात की जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले है दोस्तों इसकी 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन है 2400x1080 और 2.5D डॉट डिस्प्ले। उसके बाद में बात करते हैं प्रोसेसर के, तो इसके अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G का जो 8 नैनोमीटर की चिपसेट के साथ में काम करता है, और इसके अंदर जो 5G का मॉडेम है वो है X52 का, और 5G कनेक्टिविटी के लिए दो बैंड दिए हुए हैं 77 और 78 sub 6 का। उसके बाद में आ जाइए दोस्तों बैटरी पे, बैटरी है इसकी 4820mAh की, यानी कि 33 वोल्ट का ड्यूल चार्जर, यानी कि ड्यूल स्प्लिट चार्जर, जो कि 100% बैटरी को 50% के भागों में बांट के जल्दी चार्ज करता है, और बैटरी चलती भी अच्छी है। और 7 लेयर की यानी कि इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगी हुई है, जिससे कि फ़ोन की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी 120Hz इंटेलिजेंट एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले की, जिसमें जैसे कि आप फ्रेम पर सेकंड इसमें चेंज हो सकती है, जैसे आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि आप मूवी चला रहे हैं यानी कि मूवी वीडियो देख रहे हैं तो 48 फ्रेम पर सेकंड, वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 30 से 60 फ्रेम पर सेकंड, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को 120 फ्रेम पर सेकंड, और गेम में यानी कि गेमिंग के अंदर 120 यानी कि फ्रेम पर सेकंड चेंज होते रहते हैं। यह नेविक सपोर्ट करता है, ड्यूल स्टेरियो स्पीकर है इसके अंदर, और ड्यूल फ्रिक्वेंसी GPS लगा हुआ है, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट है जो दिया हुआ है।